कल नहीं बस आज जरूरी है। हर उम्र में उम्र का लिहाज जरूरी है। गूंज तो सिर्फ लय की होती है, बस इस लय का रियाज जरूरी है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बच्चों की परवरिश माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और माता पिता को इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, लेकिन वो कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वो इग्नोर कर देते हैं। नतीजा उनके बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको वो तीन जिम्मेदारियां बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सके। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉरल एजुकेशन। पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को मॉरली स्ट्रांग करना। देखिए, वैसे तो आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजते हैं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मॉरली टीच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे हमारे मॉरली वीक हो जाते हैं। कितना भी वो 80% 90% ले आए, लेकिन अगर आपका बच्चा मॉरली स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। देखिए, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया के दौर में आप सभी लोग देख रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी उम्र के बच्चे बिगड़ रहे हैं, कैसे कैसे वीडियोस देखते हैं और उनके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं, तो घर से ही उनको मॉरली स्ट्रांग करें। तो एक जिम्मेदार माता-पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन दें। फिर आपका बच्चा चाहे 2 साल का है, 4 साल का या फिर 14 साल का हो चुका है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसको मॉरली ट्रेंड कीजिए, शिक्षित कीजिए। तो अब मॉरली ट्रेंड होने का क्या मतलब है? मॉरली ट्रेंड होने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरी सुनाएं ताकि आपका बच्चा अच्छी अच्छी बातें सीख पाए। इसके अलावा अपने बच्चों को धर्म से भी जोड़िए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़ते हैं तभी आपका बच्चे में संस्कार आते हैं, और संस्कार जब बच्चे में आ जाते हैं फिर उसका गलत रास्ते पर जाना नामुमकिन होता है। इन शॉर्ट, एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए मॉरल एजुकेशन बेहद ज़रूरी है, और ये एजुकेशन तब तक अधूरी है जब तक आपका व्यवहार और आचरण ठीक ना हो। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तो आप सभी जानते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तब आप किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर ले जाते हैं। देखिए, पहले के ज़माने में डिप्रेशन जैसी बीमारियों के बारे में सुना ही नहीं जाता था। अगर होती भी थी तो किसी एक आध को, वो भी बड़ी उम्र में जाकर। लेकिन आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां हो रही हैं, या फिर बहुत पढ़े लिखे लोगों में इस तरह की बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ मिसिंग है। इसलिए एज ए पेरेंट मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बड़ा कीजिए ताकि वो लाइफ में मजबूती से खड़े हो सके और हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकें। एक बात और आपसे कहूंगी कि कोई भी बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पैदा नहीं होता, इस एटीट्यूड को डेवलप करते हैं उसके पेरेंट्स। इसलिए सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि बच्चों में राइट एटीट्यूड को डेवलप कीजिए और इस जिम्मेदारी से कभी भी पीछे ना हटे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। ये तो आप सभी जानते हैं कि इंसान के पास जितना भी पैसा हो वो हमेशा कम ही रहता है, लेकिन अगर आपको मनी मैनेजमेंट आता है तो आपको पता होता है कि आपके पास जो भी पैसा है उसको कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल करना है। जब आपको इस तरह से अपने पैसे का इस्तेमाल करना आ जाता है तो ना तो आपकी लाइफ में दिक्कत आती है और ना ही आपके बच्चों को लाइफ में कभी भी पैसे की कमी का एहसास होता है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी कि पहले आप खुद पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखिए। जब आप खुद ऐसा करते हैं तभी ये क्वालिटी आपके बच्चों में भी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। यहाँ मनी मैनेजमेंट को लेकर
एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों में दिखावा बेहद बढ़ गया है। जहां पर पहले दो चीजों में आसानी से गुजारा हो जाता था, आज 200 चीजें होने पर भी आदमी को ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। नतीजा क्या होता है कि एक तो वो मेंटली इतना ज्यादा परेशान रहता है, इतनी भागदौड़ करता है वो 200 चीजें पाने के लिए। इससे क्या होता है, फिजूल खर्ची बढ़ती है, घर का माहौल खराब होता है, आपकी फिजिकल मेंटल सब हेल्थ स्पॉइल होती है। इसलिए आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, जो जरूरी है उसे जरूर कीजिए और दिखावे से हमेशा बचिए। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका मनी मैनेजमेंट कितना इम्प्रूव हो गया और कैसे आप धीरे धीरे लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि सादगी जीवन को सरल बनाती है और दिखावा मुश्किलों में डालता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।